हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग सीखेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पाइप फ्लो और आपका ओपन चैनल फ्लो में क्या डिफरेंस है। ओपन चैनल फ्लो जैसे कि रिवर या फिर टैंक में अगर वाटर फिल है तो वो भी ओपन चैनल है, और पाइप फ्लो मतलब कि एक पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा होता है वो। लेकिन पाइप के अंदर भी ओपन चैनल फ्लो होता है, कैसे? देखिए, अगर अपर लेयर ऑफ फ्लूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर कैरी कर रही है तो इस तरीके की सिचुएशन को हम बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। जैसे कि इन केस ऑफ रिवर, जो अपर लेयर होता है रिवर का, जो वाटर का अपर लेयर होता है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, तो मींस वो है ओपन चैनल फ्लो। सेम इसी तरह टैंक में भी जो अपर लेयर होता है टैंक का, उसमें भी मैक्सिमम जो आपका जो प्रेशर आ रहा होता है वो कैसा आ रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होता है। अब पाइप फ्लो जो सिचुएशन हमें बनाऊंगी उसको देखिए, पाइप फ्लो ये पाइप है और फ्लो जो है वो इतना फ्लो हो रहा है, अगर ऐसे इतना फिल है, पूरा फिल नहीं है, इतना फिल है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। तो जब बात की जाएगी फ्लो थ्रू पाइप्स की तो हम लोग इस तरीके की सिचुएशन को नहीं लेंगे। जो हमारा ओपन चैनल फ्लो होता है उसमें जो हमारा मेन जो जो हमारा मेन जो फोर्स होता है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा हो, डोमिनेटिंग जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, वो ग्रेविटी फोर्स होता है। और फ्लो थ्रू पाइप्स में जो फ्लो होता है वो होता है प्रेशर फोर्स की वजह से, और प्रेशर फोर्स की वजह से। तो जब फ्लो थ्रू पाइप्स की बात बने देखेंगे तो ये पूरा फिल्ड वाटर फ्लो होगा, और प्रेशर जो फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, वो प्रेशर फोर्स की वजह से जो है होगा, जो भी हमारा फ्लो हो रहा है वो प्रेशर फोर्स की वजह से होगा। अब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई पार्टिकल जा रहा है तो क्या होगा, उसको किसी ना किसी कोई ना कोई बीच में लॉसेज आ रहे हैं। तो जिस जगह पर चला, सपोज़ सेक्शन वन से उसने चलना स्टार्ट किया, तो उस जगह पर अगर उसकी टोटल एनर्जी E1 है, उसे सेक्शन टू तक पहुंचते हुए उसकी एनर्जी हो गई E2, तो मतलब कि E1 से E2 तक पहुंचने में कुछ लॉस हो गया, वो लॉस क्या कहलाता है, एनर्जी लॉस कहलाता है। तो ये जो एनर्जी लॉसेस होते हैं इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है मेजर एनर्जी लॉसेस, और जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो होती है माइनर एनर्जी लॉसेस। मेजर एनर्जी लॉसेस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और माइनर एनर्जी लॉसेस होते हैं ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप, ड्यू टू बेंडिंग इन पाइप, ड्यू टू पाइप फिटिंग्स एंड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। इन सभी की वजह से माइनर एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं। तो माइनर एनर्जी लॉसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मेजर एनर्जी लॉसेस पे ध्यान देते हैं। मेजर एनर्जी लॉसेस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, और ड्यू टू फ्रिक्शन अगर है तो अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है मेजर एनर्जी लॉसेस के लिए, यानी फ्रिक्शनल लॉसेस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डार्सी विस्बैच फार्मूला, और सेकेंड फार्मूला क्या है, चेजीज फार्मूला। तो ये जो फार्मूले हैं ये जो है उसी पर्टिकुलर जिस भी साइंटिस्ट ने ये फार्मूले डिराइव किए थे, वही उन्हीं के नाम पर ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। तो
जो डार्सी विस्बैच फॉर्मूला है वो है ये, और क्या है वो, एच एफ इक्वल टू 4FLV² डिवाइड बाई 2GD। इसमें से एच एफ क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, स्मॉल एफ क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है यानी विस्कस फ्लो है, तो फ्रिक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होगी, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 16/RE यानी 16/ रेनॉल्ड नंबर। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से 10^6 के बीच में होगी तो जो F का वैल्यू होगा वो होगा 0.079 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4। ये है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। देखिए दो टर्म आपको मिलेंगे, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा मिलेगा फ्रिक्शन फैक्टर। तो जब आपसे बात की जाती है फ्रिक्शन फैक्टर की, तो फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमें मिला स्मॉल एफ का वैल्यू। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है डार्सी विस्बैच फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन यानी एच एफ के लिए फॉर्मूला है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे चेजीज फॉर्मूला। चेजीज फॉर्मूला इक्वेशन होता है ये, वी इक्वल टू सी रूट एम आई। ये जो सी है इसे हम लोग बोलते हैं चेजीज कांस्टेंट, और चेजीज कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है ये रूट रो जी बाई एफ डैश, जिसमें से एफ डैश होता है फ्रिक्शन फैक्टर। अब अगर फॉर्मूला आता है, मतलब अगर चेजीज कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया गया तब तो कोई बात नहीं, आपको v इक्वल टू सी रूट एम आई फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं तो आपको चेजीज फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो रूट रो जी डिवाइड बाई एफ डैश से निकालना पड़ेगा। इसमें v है वेलोसिटी, c है आपका चेजीज कोफिशियंट, स्मॉल m जो है वो है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू a बाई p। a क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, और p क्या होता है, वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर पेरीमीटर होता क्या है, देखिए पाइप फ्लो के केस में आपको पाइप के पेरीमीटर और वेटेड पेरीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे कि अगर ये पाइप फ्लो, ये आपका ओपन चैनल फ्लो है, सिर्फ इतने में फ्लो हो रहा है, तो जब बात की जाती है वेटेड पेरीमीटर की तो वेटेड पेरीमीटर होगा सिर्फ इतना से यहाँ से लेकर इतना, सिर्फ ये वेटेड पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर क्या होगा, पूरा पेरीमीटर होता है वेटेड पेरीमीटर। वाटर जो आपका जो कंटेनर है उसको कितना वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, सिर्फ वो लेंथ आपकी वेटेड पेरीमीटर होती है। तो फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इक्वल टू ए बाई पी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें फ्लो हो रहा है, और पेरीमीटर जो आपका वेटेड पेरीमीटर है वो। तो आप लोगों को V और C और M पता चल गया। अब I क्या होता है, I होता है आपका लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, यानी स्मॉल I इक्वल टू HF बाई L। HF क्या होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और L क्या होता है वो जो दो पॉइंट्स के बीच, जो सेक्शन वन और सेक्शन टू जिनके बीच आप हेड लॉस निकालना चाह रहे हैं उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है L। अब स्मॉल m का वैल्यू हम इसे थोड़ा सा, जो a बाई पी हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये तो पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो हमें सीखना है, अभी ओपन चैनल फ्लो हमें सीखना नहीं है। तो पाइप फ्लो में a बाई पी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा,
पाई बाई फोर डी स्क्वायर, क्योंकि पूरे पूरे पाइप का जो एरिया है उस पर पूरे में फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर, और पैरामीटर हो जाएगा क्या, पाई इंटू डी, जो पाइप का पैरामीटर होगा वही हमारा पाइप फ्लो का वेटेड पैरामीटर होगा, पाई इंटू डी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई बाई फोर डी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई डी, तो हमें एम का वैल्यू मिलेगा डी बाई फोर, मतलब डाया ऑफ द पाइप डिवाइड बाई फोर। तो डायरेक्टली हम लोग, चूँकि हम लोग पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं अभी, तो हम लोग ये का वैल्यू डायरेक्टली डी बाई फोर भी रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों जो आप लोगों ने फॉर्मूले सीखे डार्सी विस्पैच फार्मूला और चेजिस फार्मूला, इन दोनों फॉर्मूले के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ डाया 300 mm। तो डाया है 300 mm, हमने क्या किया 300 mm डाया लिया, उसे 0.30 meter कर दिया, एंड लेंथ 50 meter, लेंथ है 50 meter, थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 meter per second। वेलोसिटी है 3 meter per second। हमें हेड लॉस निकालना है दो अलग अलग फार्मूले से, एक है डार्सी फार्मूला और एक है चेजिस फार्मूला। और चेजिस फार्मूला के लिए कोफिशियंट, चेजिस कोफिशियंट 60 गिवन है वैल्यू, तो डार्सी फार्मूला भी लगाना है, चेजी फार्मूला भी लगाना है, और दोनों से हेड लॉसेस निकालने हैं, और दोनों से जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी हेड लॉस की वो अलग अलग मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं डार्सी फार्मूला। तो डार्सी फार्मूला में फार्मूला आपको पता है, HF इक्वल टू 4FLV² डिवाइड बाई 2GD, जिसमें से स्मॉल f का वैल्यू भी नहीं गिवन है। जब स्मॉल f का वैल्यू नहीं गिवन है तो आपके पास फॉर्मूले क्या हैं, दो फार्मूले थे स्मॉल f के, रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है तो 16RE, और अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा और 10^6 से कम है तो वैल्यू होगी 0.079 डिवाइड बाई RE की पावर 1/4। यानी जो स्मॉल f का जो वैल्यू है वो रेनॉल्ड नंबर पे बेस्ड है, तो पहले तो हमें रेनॉल्ड नंबर पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। अब रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू, या फिर वी डी बाई न्यू। तो न्यू क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। तो चूंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी अभी नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं गिवन है, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लगानी होंगी, और वो क्या होती है, 0.01 × 10⁻⁴ काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू हो गई है। ठीक, नेक्स्ट जो है वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है 3 meter per second। तो इसमें हम लोग रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, डाया जो है हमें डाया दिया गया है 300 mm, यानी 0.30 meter, ये सारी वैल्यूज़ हम लोग रखेंगे इस फॉर्मूले में, रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू VD बाई न्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, और हमें रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू मिला 9 × 10⁵। यानी हमें जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो होगा स्मॉल f इक्वल टू 0.079 डिवाइड बाई RE की पावर 1/4। अब ये फॉर्मूला लेंगे, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू है 9 × 10⁵, ये फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे, और हमें स्मॉल f का वैल्यू मिला 0.00256। अब हेड लॉस का फॉर्मूला ध्यान करिए, हेड लॉस का फॉर्मूला है HF इक्वल टू 4FLV² डिवाइड बाई 2GD। स्मॉल f का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेंथ ऑलरेडी गिवन है, और वेलोसिटी भी गिवन है 3 meter per second। 2 हमें पता है, डाया हमें पता है, जो पाइप दिया गया है डाया गिवन है, और जी का वैल्यू पता है, यानी सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। अब हम वो सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए, हमने वैल्यूज़ रख दी फॉर्मूले में, और स्मॉल f का वैल्यू हमें मिल, स्मॉल HF का वैल्यू हमें मिला, मतलब कि हेड लॉस हमें मिला 0.7828 meter।
अब हमें इसी क्वेश्चन को चेजी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। चेजी फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू सी रूट एम आई, जिसमें से C का वैल्यू हमें गिवन है 60, तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। M क्या होता है? हाइड्रोलिक रेडियस या फिर हाइड्रोलिक मेन डेप्थ। पाइप फ्लो के लिए इसकी वैल्यू होती है D/4, तो डायरेक्टली हम लोग D/4 वैल्यू रखेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.075। तो स्मॉल m का वैल्यू भी हमें मिल गया। I इक्वल टू क्या होता है? HF/L होता है। HF एक अननोन है जो हमें निकालना है, और L क्या है? 50 मीटर, जो कि गिवन है। ठीक, सारी और वेलोसिटी भी हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ से हमें जो फॉर्म जो हमें I का जो वैल्यू मिला, देखिए V हमें पता है, C हमें पता है, M हमें पता है, तो I ही अननोन बचा, तो I का वैल्यू हमें मिला 0.0333। और I इक्वल टू होता है HF/L, जिसमें से L भी हमें पता है, HF अननोन है, तो फिर हमें HF का वैल्यू मिलेगा 1.665 मीटर। ठीक, तो ये आप लोगों ने हेड लॉस, मेजर हेड लॉसेस के लिए फॉर्मूला देख लिया, उसके लिए आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो आप लोगों को फॉर्मूले देखने हैं वो हैं माइनर लॉसेस के लिए फॉर्मूले। ठीक है, तो ये देखिए जो आपको सब दिख रहे हैं माइनर लॉसेस के लिए फॉर्मूले हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर सिंपली ऐसे फ्लो ऐसे हो रहा है, ये पाइप की डायमेंशंस हैं, ये पूरा पाइप है, ठीक है, फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब लेंथ ज़्यादा होती है तब जो एनर्जी लॉस होता है वो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। ये पहला केस है जो आप लोग देख चुके हैं। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है, अगर पाइप का डाया कुछ ऐसा हो, पाइप यहाँ से फ्लो हो रहा है और अचानक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे स्मॉल ए है, यहाँ पर अचानक क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, तब जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चेंज होगा, एकदम से चेंज होगा। तो यहाँ पर लॉस होता है, ये लॉस होता है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग HE से इंडिकेट करते हैं। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। V1 क्या है? सेक्शन 1 पे वेलोसिटी है। V2 क्या है? सेक्शन 2 पे वेलोसिटी है। यही चीज़ देखिए यहाँ पर हमने ये लिखी है। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अब देखते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पहले तो सिचुएशन क्या होगी सडन कॉन्ट्रैक्शन में? पाइप का डाया ये चल रहा था, अचानक से पाइप का डाया कम हो जाए तो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं HC से, और HC इक्वल टू होता है V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अच्छा, तो पूरा डेरिवेशन मैं बताने जा रही थी आप लोगों को, डेरिवेशन जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है? HC का जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा HC इक्वल टू 0.5 V2 का स्क्वायर बाई 2G। अगर कुछ भी कोफिशियंट का वैल्यू नहीं गिवन है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर कोफिशियंट का वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर वैल्यू गिवन है, तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? HC इक्वल टू स्मॉल k इंटू V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो स्मॉल k का वैल्यू आपको बताया जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकेंगे। ये हुआ आपका कोफिशियंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट होता है ड्यू टू बेंट इन पाइप।
या प्लस और भी हैं लॉसेस, जैसे ड्यू टू इंट्रेंस इन पाइप, तो ड्यू टू इंट्रेंस इन पाइप को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाई फोर जी होता है। इंट्रेंस इन पाइप, जैसे कि ये पाइप है, कोई भी फ्लो जब इसमें इंट्रेंस करेगा तो भी लॉस होगा, और वो कितना लॉस होगा, इतना लॉस होगा। ड्यू टू एग्जिट इन पाइप, जैसे पाइप से एग्जिट करेगा तो भी लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा, एग्जिट इन पाइप इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी। वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप, अगर पाइप है इसमें बीच में कुछ चीज़ है तो इसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होगा, और वो कितना होगा एनर्जी लॉस, वो एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू जी ब्रैकेट में ए डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ए माइनस स्मॉल ए माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें से ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है, स्मॉल ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आपका हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हेड लॉस ड्यू टू बेंड, हेड लॉस ड्यू टू बेंड इक्वल टू होता है स्मॉल के वी स्क्वायर बाई टू जी। इसमें से ये जो स्मॉल के होता है ये क्या होता है, लॉस कोफिशियंट बोलते हैं इसको हम लोग, लॉस कोफिशियंट फॉर बेंड। इसका वैल्यू निकालना आप लोग एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट में सीखेंगे आप लोग। पाइप फिटिंग्स की वजह से भी जो हेड लॉस होता है वो हेड लॉस होता है स्मॉल के वी स्क्वायर बाई टू जी, पाइप फिटिंग्स के लिए आपका हेड लॉस। तो इस तरह आपने सभी हेड लॉसेस के लिए आप लोगों ने फॉर्मूले जो हैं वो सीख लिए। नेक्स्ट जो है, जो आप लोगों को सीखना है वो क्या है, इक्विवेलेंट पाइप, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को सीखना है, जो कि आप लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।